हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कल जो पढ़े थे सबजंक्टिव मोड, वहाँ से आगे हम लोग शुरू करेंगे। और सबजंक्टिव मोड के बारे में जो हम लोग कल पढ़ा था वो हमारा पास्ट सबजंक्टिव मोड था, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट सबजंक्टिव मोड था। तो सबजंक्टिव की बात जब भी हो तो आप समझिएगा कि बात रियल नहीं, अनरियल है। अनरियल यानी यहाँ पे एक्शन कभी होता नहीं है। तो एक बार मेरे साथ दोहराइए साथ में, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए सबजंक्टिव मोड क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सबजंक्टिव मोड वर्ब्स का फॉर्म है, यानी वर्ब का फॉर्म है। और दूसरी बात कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम पास्ट सबजंक्टिव मोड की बात करें तो वो इमेजिनरी सिचुएशन बताता है प्रेजेंट टाइम का, और जो प्रेजेंट सबजंक्टिव मोड पढ़ा था वो बता रहा था स्पीकर्स का ओपिनियन। तो अब तक हमने जो पढ़ा कि पास्ट सबजंक्टिव मोड है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ खास वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे विश, और एक और हमने पढ़ा था कल, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या अपॉर्चुनिटी। ये पढ़ा था, या इट इज़ अबाउट टाइम, या इट इज़ अपॉर्चुनिटी, या इट इज़ टाइम, ये सारे थे। तो उससे रिलेटेड पहले कुछ सवाल करें और उसके बाद फिर आगे इसके आगे हम लोग चलेंगे। तो ज़रा बताइएगा, अगर मैं लिखता हूँ आई विश, आई वर अ मिनिस्टर, तो बताइए आई वॉज अ मिनिस्टर सही है या आई एम अ मिनिस्टर सही है, बताइए। तीनों में कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है। आई विश, काश मैं मंत्री होता, काश मैं मंत्री होता, काश मैं मंत्री होता। इस वाक्य में आप बताइए कि ये इमेजिनरी बात है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, या रियल बात बता रहा हूँ, मैं मंत्री हूँ या काश मैं मंत्री होता, ये मेरा इमेजिनेशन है। इमेजिन कर रहे हैं, तो जब भी इमेजिन कर रहे हैं तो हमारे पास प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट में हम इमेजिन कर रहे हैं तो हमें लगाना होगा प्रेजेंट के इमेजिन दिखाने के लिए, इमेजिनेशन दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी स्टेट बताने के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई विश आई वर अ मिनिस्टर, यानी कि यहाँ वॉज और एम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वर का प्रयोग होगा, कोई दूसरा और ऑप्शन हमारे लिए नहीं है अगर हम स्टेट दिखाना चाह रहे हैं, और वो भी इमेजिनरी यानी कि अनरियल स्टेट दिखा रहे हैं, तो हमें वर का प्रयोग करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुड दैट आई एम चाइल्ड अगेन, कुछ वाक्य लिख रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा, वुड दैट आई एम चाइल्ड अगेन, वुड दैट आई एम अ टाइगर, इफ ओनली I am a king। यहाँ पे मैंने I wish के अलावा तीन और बात को रखा है, would that I am a child again, would that I am a child again, oh that I am a tiger, if only I am a king। तो आप बताइए, वुड दैट आई एम अ चाइल्ड अगेन, ओह दैट आई एम अ टाइगर, इफ ओनली आई एम अ किंग, ये चारों वाक्य सही है या गलत है। आई के हिसाब से एम लगाया गया है, प्रेजेंट में बात चल रहा है, क्या सही है, क्या यहाँ पे भी आई के अनुसार एम लगाया है सही लग रहा है, आई के अनुसार यहाँ एम लगाया है सही लग रहा है,
सही लग सकता है अगर आपको ये बात का पता ना हो कि विश कुड दैट ओ दैट इफ ओनली ये सारे इमेजिनरी सिचुएशन दिखाने वाले स्टेटमेंट हैं। आई विश काश मैं मंत्री होता, काश मैं फिर से बच्चा होता, ओह काश मैं फिर से टाइगर होता, या इफ ओनली, ये चारों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं। इफ ओनली, ओह दैट, वुड दैट, आई विश, ये सब का मतलब होता है, ये सब का मतलब होता है काश, काश मैं मंत्री होता, काश मैं राजा होता, काश मैं मिनिस्टर होता, काश मैं कवि होता, काश मैं सिंगर होता। तो जब मैं ऐसी इमेजिनेशंस को दिखा रहा हूँ प्रेजेंट में, तो आप बताइए प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशंस को दिखाने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत है, रियल टेंस का या अनरियल टेंस का? अनरियल टेंस का। ये जो सब्जंक्टिव मूड है ना, इसको आप अनरियल टेंस कहिए, क्योंकि जब रियल टेंस जो होता है वो हमारे लिए टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, वो हम टाइम का यूज़ करते हैं। जो रियल जो टेंस हम पढ़ते हैं वो हमारा एक्चुअल टाइम बताता है किसी भी एक्शन स्टेट और पोजिशन का। लेकिन जब सब्जंक्टिव मोड की बात करते हैं तो ये भी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये एक्चुअल टाइम ना बता के इमेजिनेशंस को दिखाता है। जो इमेजिनेशन जो होता है वो अनरियल होता है, इम्प्रोवेबल होता है, इम्पॉसिबल होता है, काल्पनिक बातें होती हैं जो यथार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जैसे मैंने ये क्लू बताया था वैसे ये भी याद रखिएगा, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, ये चारों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होगा, और इनके प्रेजेंस में जो हम वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे वो सब्जंक्टिव, पास्ट सब्जंक्टिव का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ एम के जगह वर का प्रयोग करिए, और यहाँ पे भी एम के जगह वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ एम गलत है, यहाँ होना चाहिए वो दैट आई वर अ टाइगर। और इफ ओनली थोड़ा सा इम्फैटिक हो जाता है, लेकिन आपका इमेजिनेशन ही बताता है। तो ये सब स्टेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर का, राइट? गुड। आप सब्जंक्टिव मोड में ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन रोज़ बताऊंगा, तह तक जाइए और उसको अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा चीज़ बता के आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम थोड़ा सा बता जरूर रहे हैं लेकिन एक ही टॉपिक के बारे में भी बात कर रहे हैं। चलिए आप ये बताइए मुझे कि यहाँ वर सही हो गया, यहाँ भी वर सही है, यहाँ भी वर सही है, यहाँ भी वर सही है, ये बताइए ये जो इमेजिनेशन है ये प्रेजेंट का है या पास्ट का? बताइए प्रेजेंट का। ये इमेजिनेशन सब प्रेजेंट का है, लिखा गया है पास्ट फॉर्म, बी का सेकेंड फॉर्म वर, लेकिन ये सारे हैं प्रेजेंट के इमेजिनेशन, यानी प्रेजेंट के इमेजिनरी स्टेट को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये सारे वाक्य सही हैं। अगर इसी तरह से पोजिशंस के लिए अगर मैं बात करूँ कि आई विश आई हैव नॉलेज, आई विश आई हैव नॉलेज, बताइए सही है गलत? नाउ इट इज़ योर टर्न। आई विश आई हैव नॉलेज, तो यहाँ जैसे ही विश देख रहे हैं कि प्रेजेंट में इमेजिन मैं कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट की इमेजिन कर रहे हैं तो फिर हमारे पास पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ हैव की जगह लगाना चाहिए हैड, ये हमारा करेक्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे आई विश के जगह अगर चाहें तो ओह दैट का प्रयोग करें तो गलत है, ये भी सही है। अगर मैं करूँ यहाँ वुड दैट, ये भी सही है, और अगर मैं यहाँ पे करूँ इफ ओनली, ये भी सही है। इन सब का प्रयोग करेंगे, ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस दिखाने के लिए है। तो ये जो आपके पास सब्जंक्टिव फॉर्म जो यूज करते हैं इसका आइडेंटिफाइंग वर्ड के रूप में इनको यूज करिए आप। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हैं फॉर पास्ट सब्जंक्टिव, यानी कि इसके उपस्थिति में विश, ओह दैट, वुड दैट, इफ ओनली, इसके बाद आपको पास्ट फॉर्म का यूज करना है। आई विश आई हैड ए स्ट्रेंथ, ओह दैट आई हैड ए स्ट्रेंथ, वुड दैट आई हैड ए स्ट्रेंथ, इफ ओनली आई हैड ए स्ट्रेंथ।
और इस सब का मतलब हो जाता है कि काश मेरे पास ताकत होता था या होता अभी, अभी होता, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए एक और हमने बात किया था इट इज़ टाइम के बारे में, वो आपको क्लियर हो गया होगा, उससे रिलेटेड कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चंस में उसके ऊपर में भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न नाउ, बोलिए इट इज़ हाई टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न नाउ या इट इज़ अबाउट टाइम यू रिटर्न नाउ, इसके बारे में मैंने कल बताया था, आज जो मैं बताया था वो मैं पूछ भी रहा हूँ आपसे, बताइए ये आपका जिम्मेवारी है बताना, कल मैंने बताया था और फिर से रिकैप करा रहे हैं ताकि आपके मन में अच्छे से बात बैठ जाए। 5 मिनट टाइम देना है रोज़, कुछ ना कुछ सीखिए। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इन दोनों का अर्थ हो जाएगा ऑलरेडी लेट, लेकिन इस यानी कि समय पहले ही निकल चुका है, अब तक जो हम बता रहे हैं वो एक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का मतलब ऑलरेडी लेट तभी होगा जब आगे क्लाउज बने, आगे कोई क्लाउज बने, तो आगे अगर कोई क्लाउज बन रहा है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, ये अनिवार्य रूप से ध्यान रखिएगा। क्लाउज के लिए सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट के साथ प्रीडिकेट चाहिए, और प्रीडिकेट के लिए मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, यहाँ सब्जेक्ट है प्रीडिकेट है, इन्हीं को हम कहते हैं क्लाउज, हिंदी में कहेंगे उपवाक्य। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यानी कि प्योरली क्लाउजेज़ के बारे में जो पढ़ते हैं वो कंजंक्शन में पढ़ते हैं। तो इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न नाउ, मैंने आपको बताया था कि पास्ट का सेकेंड फॉर्म के बदले में आप चाहें तो मोडाल शुड हैव का प्रयोग करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न या इट इज़ हाई टाइम यू शुड हैव रिटर्न, मैंने लॉजिकली बताया था आपको कि इसका मतलब है समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तक आपको आ जाना चाहिए था। तो चाहे V2 से बोलें या शुड हैव रिटर्न से बोलें, ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के बदले में प्रयोग हो सकता है। चलिए यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हो गया ना, आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली के बाद क्लाउज होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात हम इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान में ला रहे हैं कि क्लाउज होना चाहिए और क्लाउज के लिए सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ से आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली के बाद जब भी सब्जेक्ट आएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पास हमारे पास ऑप्शन है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करें, राइट। आई विश, ओह दैट, वुड दैट, इफ ओनली के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, कारण कि ये प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन दिखा रहा है, और प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन अगर दिखाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करें, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो बार बार मैं लिख रहा हूँ किसी एक्शन के लिए सेकेंड फॉर्म डिड आइडेंटिफाई ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, और हैड प्लस नाउन होना चाहिए, हैड प्लस V3 नहीं, हैड प्लस नाउन, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, और ये वर हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। किसके बाद? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और ये सारे एक्सप्रेशन है विश, ओह दैट, वुड दैट, इफ ओनली, इनके बाद। इनके अलावा सेम सेंस देने वाला दो और वर्ड्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इनको भी देखिए। जैसे आपने पढ़ा होगा वुड रैदर, है ना, ग्रामर में कोई भी वर्ड है ना उसके कई प्रॉपर्टीज होते हैं, कई फंक्शंस होते हैं, तो उसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझने से चीज़ें बेहतर होगी। वुड रैदर और वुड सूनर, देखिए इसके साथ पास्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब इसके बाद क्लाउज हो, क्लाउज हो, और क्लाउज के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए और प्रीडिकेट चाहिए, और प्रीडिकेट में मेन वर्ब का होना
मेन वर्ब जिसको फाइनाइट वर्ब लेक्सिकल वर्ब कहते हैं होना जरूरी है। क्लाउज का होना जरूरी है, जैसे विश के आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ओ दैट के आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। वुड दैट के आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। आप इफ ओनली के आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, या इनके साथ भी, या आपने जितने भी एक्सप्रेशन लिखा है सब में कुछ कंक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इट इज़ टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अपॉर्चुनिटी हो, सबको कंक्लूड करके बात कर रहे हैं। इट इज़ अपॉर्चुनिटी हो, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी हो, ये सारे जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं ये सब दे अट्रैक्ट प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, दे अट्रैक्ट प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ओनली इफ दे फॉलो क्लाउजेस, और क्लाउजेस के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। तो इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। एक बार फिर से समझिएगा कंक्लूड करके, जो लिंक है जो क्लू है उसको आप समझिए। इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट से शुरू हो। इसके बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इन सारे वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इन सारे वर्ड के बाद सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। ये सारे वर्ड के बाद, यहाँ वुड रेदर है, इसके बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, 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 और सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे पास्ट सब्जंक्टिव मूड। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो क्लू है वो सारा इमेजिनरी सिचुएशन दिखाता है और वो भी प्रेजेंट का। तो इनको ध्यान से रखिएगा, एक क्लू के रूप में है कि इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी यू वॉन, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, इट इज़ अबाउट टाइम यू वॉन द मैच, इट इज़ टाइम यू हेल्प देम, आई वुड रैदर यू। इसके बारे में हमने एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिया है, अभी दे रहे हैं। I wish I won the match. Oh that I won the match. Would that I won the match. If only I won the match. तो ये जितने भी expressions हमने लिखा है ये past subjunctive mood को attract करता है। Past subjunctive, sorry, मैंने यहाँ गलती से present लिख दिया था। Past subjunctive mood को attract करता है, और past subjunctive mood का मतलब होता है verb का second form। और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म को टेंस नहीं बल्कि अनरियल टेंस आप मानिए, क्योंकि अगर रियल टेंस होता तो ये प्रेजेंट की इमेजिनरी प्रेजेंट की बात होती नहीं, वो पास्ट की बात होती। तो इसको पास्ट सब्जंक्टिव मूड या जहाँ भी सब्जंक्टिव बोल रहे हैं तो वहाँ टेंस जो होता है, जो वर्ब का फॉर्म होता है, वो टेंस नहीं अनरियल टेंस कहलाता है, अनरियल टेंस। क्योंकि जो टेंस होता है वो एकदम एग्जैक्ट सही टाइम बताता है, और ये इमेजिनरी बात करता है। जितने भी सब्जंक्टिव है सब इमेजिनरी है। तो एक बात है, इसमें वुड रैदर और वुड सूनर को देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है ही कंफ्यूजिंग, इसको आसानी से समझने में थोड़ा सा तकलीफ होती है।
तो हम हर एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रामर जो है रिलेटिव स्टडीज है वर्ड्स का। एक वर्ड जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप अंग्रेजी को बहुत बेहतर तरीके से डील कर पाइएगा। क्योंकि एक वर्ड को याद करके, जैसे वुड रैदर के बारे में ही अगर हम बात करें, तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वुड रैदर के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपने पढ़ा है वुड रेदर के बारे में कि प्रेफरेंस के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई वुड रेदर डाई देन बेग, यानी भीख मांगने से मरना पसंद करूँगा मैं। आई वुड रेदर डाई देन बेग, ये पढ़ा है आपने। या आई वुड सूनर डाई देन बेग, या ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं। तो आई वुड रेदर डाई देन बेग यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया है। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने बोला कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड तब अट्रैक्ट करेगा जब इसके बाद सब्जेक्ट हो। क्या यहाँ वुड रेदर और वुड सुनर के बाद सब्जेक्ट है? ध्यान से देखिएगा, नहीं है ना? नहीं है। तो जब इसके बाद सब्जेक्ट होगा तो इसका पर्पस क्या है? इट एक्सप्रेसेस दैट वी वॉन्ट समवन एल्स डू समथिंग। समझिए इसका मतलब। मैंने बोला है कि वुड रेदर और वुड सूनर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये बिल्कुल सही है। ये आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कभी भी वुड रेदर और वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट मुख्य रूप से हम बार बार फोकस कर रहे हैं, जो आप क्लू के रूप में ध्यान रखिएगा कि आई विश जो वर्ड आपने लिखा, वुड दैट लिखा, ओह दैट लिखा, इफ ओनली लिखा, या सपोज दैट भी होता है, या फिर वुड सूनर है, या वुड रेदर है, या इट इज़ हाई टाइम है, इट इज़ टाइम है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी है, ये जितने भी एक्सप्रेशंस है इसके बाद क्या होना ज़रूरी है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और जब सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास क्या चॉइस है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म रियल टेंस है या अनरियल टेंस है? अनरियल टेंस है, और वो है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। जितने भी सब्जंक्टिव मूड हैं वो अनरियल टेंस कहलाते हैं, क्योंकि रियल टाइम नहीं बताता। तो अब दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि वुड रेदर और वुड सूनर का मतलब होता है कि ये एक्सप्रेसेस करता है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई और कुछ काम करे। वी वॉन्ट समवन एल्स डू समथिंग, वी वॉन्ट समवन एल्स टू डू समथिंग, वी वॉन्ट समवन एल्स टू डू समथिंग। तो यहाँ पे देखिए, आई वुड रेदर, अब मैंने बोला कि अगर वर्ब लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि आई वुड रेदर यू वॉन द मैच, आई वुड रेदर यू वॉन द मैच, मैं चाहता हूँ कि आप मैच जीतो। आई वुड रेदर यू वॉन द मैच, ये मेरी इच्छा है। लेकिन ये जो मेरी प्रेजेंट की इच्छा है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। लेकिन तब जब वुड रेदर के बाद यहाँ सब्जेक्ट हो, तो क्लू के रूप में जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में सवाल किसी भी तरह से पूछा जाता है, आप हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझिए कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, एग्ज़ाम में जो सवाल होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का एक सवाल का एक ही जवाब होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्लोज एंडेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई ना कोई एक सॉलिड आधार होता है, उस आधार को पहचानना है। जैसे मैंने जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं जो पास्ट सब्जंक्टिव मूड अट्रैक्ट करता है, वो सब के बाद मैंने बोला है कि सब्जेक्ट का होना अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। तो यहाँ आई वुड रेदर यू वॉन द मैच, ये सही है, ना कि आई वुड रेदर यू विन द मैच। अगर ये बोलते हैं तो ये हमारा गलत माना जाएगा। या अगर मैं कहता हूँ आई वुड सूनर यू रिटर्न
माई बुक। इस वाक्य को देखिए, आई वुड सूनर, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो फिर आगे हमारे पास चॉइस है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अर्थात ये सही है। तो वुड सूनर और वुड रेदर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जब हम डायरेक्ट दो एक्शंस में प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन जब मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ काम करे, उसके लिए जब भी वुड रेदर और वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा। एक और मैं बताता हूँ जो पास्ट सब्जंक्टिव मूड अट्रैक्ट करता है, वो है आपका एज इफ और एज दो, जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एज इफ एज दो, इसका मतलब होता है सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है। इसका जो लेक्सिकल मीनिंग है, इसका मतलब होता है सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मतलब रियल बात नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इससे मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूँ, वैसे लेक्सिकल मीनिंग जो इसका हिंदी में बोलेंगे मानो की, यानी ऐसा प्रतीत होता है, उसके लिए हम एज इफ और एज दो का प्रयोग कर सकते हैं। और इन दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है और ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स पास्ट सब्जंक्टिव मूड। परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन अभी हम सिर्फ पास्ट की बात कर रहे हैं। इट अट्रैक्ट्स पास्ट सब्जंक्टिव मूड ओनली इफ इट फॉलोज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग अगर करते हैं इसके बाद, तब अदरवाइज अगर इसके आगे अगर हम रेगुलर टेंस का यूज़ करते हैं तो वो रियल सेंस की बात भी करता है। तो बात है कि किस तरह के कंटेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वही बात आ गई कि समझने का कि बात क्या हो रहा है वो समझने का प्रयास करें, रियल है अनरियल है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, अगर मैं कहता हूँ सी सोज हरसेल्फ एज इफ सी इज फेयरी, ही बिहेव्स एज इफ ही हैज द ट्रेजर ऑफ गोल्ड। He speaks as if he won the match. देखिए इसमें तीनों वाक्य में देखिए, यहाँ पे जो कंजंक्शन है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब सुपर पावर वर्ड्स हैं। कंजंक्शन जो होता है एकदम रोड सिग्नल की तरह काम करता है, रोड साइन की तरह काम करता है। जो कंजंक्शंस में पूरा स्ट्रक्चर सीखने के लिए कंजंक्शन होता है और पूरा मीनिंग समझने के लिए वर्ब का अगर अध्ययन सही से करें तो वाक्य का पूरा मीनिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज इफ सी इज फेयरी, तो एज इफ सी इज फेयरी, तो हमने बोला कि एज इफ या इसके जगह एज दो हो सकता है, ये पास्ट सब्जंक्टिव मोड को अट्रैक्ट करता है। तो पास्ट सब्जंक्टिव मोड को अट्रैक्ट करता है, तो पास्ट सब्जंक्टिव मोड को अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आप वाक्य को देखिए, इस तरफ जो क्लाउजेज हैं ये सब टेंस है, रियल टेंस है, और उधर हमें चाहिए अनरियल टेंस। ये सब है सी सोज हरसेल्फ, ये रियल बात है, ये रियल टेंस है, ये प्रेजेंट का टाइम बताता है। He behaves,
रियल टेंस है, ही स्पीक्स। तो ये सब जो बिना कंजंक्शन का शुरू हुआ है ये सब मेन क्लॉज है और ये सब रियल टेंस बता रहा है। रियल टेंस किसका? और प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं और इसके बाद जो क्लॉज शुरू हो रहा है वो एज इफ या एज दो से शुरू हो रहा है, तो हमें जब पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी बात है जो रियल नहीं है, तो हमें टेंस भी रियल ना लगा के अनरियल टेंस लगाना चाहिए। और इसके लिए व्यवस्था है कि जब प्रेजेंट की इमेजिनरी बात की जाए तो उसके लिए हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो अब बताइए, वह अपने आप को दिखाती है, वह अपने आप को ऐसे दिखाती है मानो परी हो। तो वह परी है तो नहीं, लेकिन दिखाती अपने आप को ऐसे है माने परी हो। तो यहाँ पे वर होना चाहिए सेकेंड फॉर्म स्टेट के लिए, तो इस गलत है। और यहाँ पे वह ऐसे बिहेव करता है मानो कि उसके पास सोने का खजाना है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? हैज का हैड, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। और ही स्पीक्स एज इफ ही वॉन द मैच। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब ये समझना है कि प्रेजेंट की ही इमेजिनरी बात है, यानी ये अनरियल टेंस है, ये रियल टेंस है। इधर टेंस है रियल और इधर है अनरियल, यानी हाइपोथेटिकल सब्जंक्टिव। तो वह ऐसे बोलता है मानो मैच जीत गया हो। क्या मैच जीता है? नहीं, वह व्यवहार ऐसे करता है मानो वह मैच जीत गया हो। तो हमने अभी तक पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में सब कुछ बताया है। एक और है जो अट्रैक्ट करता है इफ़ प्री कंडीशन, जो दिखाता है ये जो कंजंक्शन है जो कंडीशनल में पढ़ेंगे, ये भी पास्ट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड के अलावा परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड भी अट्रैक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग जब एक बार परफेक्ट भी समझ लाएँ, समझने के बाद उसके बाद हम अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड को विराम दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी आगे जैसे जैसे चलेंगे जितना भी चीज़ है वो सबको रिलेट करेंगे। देखिए, ज्ञान लेना एक बात है, लेकिन उन ज्ञान के माध्यम से एक छोटे पॉइंट से हर एक चीज़ों को जोड़ना। एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ से कैसे ये चीज़ हमारा क्लोज टेस्ट या अलग अलग तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, ऑर्डरिंग है, एरर है, इम्प्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हर चीज़ में समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को रिलेट करिए। जैसे शब्द भी पढ़ते हैं तो शब्द अलग पढ़ें, ग्रामर अलग पढ़ें, और दोनों को रिलेट नहीं करें। आप वन साइडेड पूरा ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं या वन साइडेड वोकेबलरी भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जब हम रिलेट नहीं करते हैं तो बिल्कुल हमारा जो आउटपुट निकलता है वो अनबैलेंस्ड ही होता है। तो इन सब को रिलेट करके पढ़ेंगे और बारी बारी से एक बार इनका सब्जंक्टिव मूड को अच्छे तरीके से बताने के बाद, कंडीशनल को बताने के बाद, मैं आपको क्लोज टेस्ट जो बताऊंगा वो इस तरह से पढ़ना सिखा दूंगा कि 2 से 4 दिन के अंदर में ही अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। मैं क्लोज टेस्ट नहीं, अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा। और अगर अंग्रेजी पढ़ना आ गया तो क्लोज टेस्ट हो, ऑर्डरिंग हो, पैसेज हो, एरर हो, इम्प्रूवमेंट हो, कोई भी अगर सवाल आप बनाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप 10 में 10 बनाएंगे, 100 में 100 बनाएंगे, एक भी गलती नहीं होगा, और वो भी पूरे कम समय में आप बनाएंगे। लेकिन ये तब जब रीडिंग स्किल सीखें। रीडिंग करना अलग होता है, रीडिंग स्किल का मतलब कि जो पढ़ो ग्रैब करो, फिर रिटेन करो और फिर एक्सप्रेस करो। जितने भी तरह के सवाल होंगे वो सवाल को हम प्रीफ्रेजिंग करना सिखाएंगे कि बिना ऑप्शन देखे कैसे सवाल का जवाब देते हैं, चाहे पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, ऑर्डरिंग हो, वॉयस हो, नारेशन हो, कहीं ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सवाल पढ़ते ही आपके मन में खटाक से आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं प्रीफ्रेजिंग करना, बिना ऑप्शंस देखे। तो भी हम लोग लिखते हैं कि 2 घंटे का जो सवाल हम लोग बनाते हैं एट द रेट ऑफ 1 आवर विथ फुल एक्यूरेसी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे परफेक्ट सब्जंक्टिव मोड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।